दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ डेवॉल्ट मोटर की तरफ से आने वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का फिलहाल कोई नाम नहीं है, इस गाड़ी का नाम इन्होंने रखा है डेवॉल्ट। एंड ये गाड़ी ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस की गई थी और ये एज अ कॉन्सेप्ट बाइक थी उस टाइम। ये बेसिकली एक राजस्थान बेस्ड कंपनी है जिन्होंने ये गाड़ी को शोकेस किया गया था। ऑटो एक्सपो में बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो ऑलरेडी शोकेस की गई थी, उसमें से एक ये कंपनी भी है। जब इनका इंटरव्यू लिया गया था तब इन्होंने बोला था 6 से 7 महीने के अंदर ये इंडिया में गाड़ी लॉन्च कर देंगे, लेकिन तब से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हर कोई बस इनके ट्विटर हैंडल पर जाके, इनके इंस्टाग्राम पर जाके एक ही चीज़ बोलता है कि सर आप गाड़ी कब लॉन्च करेंगे, हमने सिर्फ इस गाड़ी को देखा है। क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे है, इस कारण से लोग पूछते जाके कि कब आएगी ये गाड़ी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना, उसके साथ बेल आइकन उसको भी दबा देना, नहीं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित रह जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो इसका डिज़ाइन नियो रेट्रो नेकेड बाइक टाइप की आपको देखने को मिलती है। डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी बेसिक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी वाव है, बेसिक है, थोड़ा वल्कीनेस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सिंगल पीस सीट देखने को मिलती है जो कि एडिक्वेट है। LED हेडलाइट है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, स्वाइपेबल बैटरी दी गई है। यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी देखने को मिलती है, डैट इज़ टेम्परेचर कंट्रोल और ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया गया। हालांकि ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन आपको दूसरी गाड़ियों में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी दिया गया है। साथ ही साथ टेम्परेचर कंट्रोल मेरे को बहुत सही लगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में जो देखा गया है वो है कीलेस इग्निशन। इसके ज़्यादा स्पेक्स रिवील नहीं हुए, बहुत लिमिटेड है। जैसे बाइक कितना क्लेम करती है, टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, रेंज कितना देगी 200 किलोमीटर पर चार्ज देगी। अंडरपिनिंग की बात करें, मतलब हार्डवेयर्स की बात करें तो USD फोक फ्रंट में, रियर में आपको मिलता है डुअल सस्पेंशन एंड यहाँ पे फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक। पीछे डुअल सस्पेंशन है तो आप समझ गए होंगे। सेंटर सेट मोटर देखने को मिलता है जो कि चेन ड्राइव के थ्रू रियर व्हील में पावर शेयर करता है। BLDC मोटर है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, दैट मीन्स हब मोटर का यूज़ किया गया। लिथियम आयन बैटरी है इस गाड़ी में। अभी तक का अपडेट ये है कि ये गाड़ी फिलहाल सुनने में आया था 2021 में लॉन्च होगी, लेकिन अभी थोड़ा अपडेट ये है कि मार्च के 2022 में आएगी। बिकॉज ये अभी फंडिंग के लिए ही अभी जूझ रहे हैं। जैसे ही फंडिंग इनका पूरा रेज हो जाएगा, जितना इनको रेज करना है उतना रेज हो जाएगा, देन ये इंडिया में लॉन्च कर देगी, और बोले तो इंडियन मार्केट में ये लॉन्च कर देगी। इस गाड़ी का प्राइस एक्सपेक्टेड बोला है एज़ पर द CEO जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस करा था 1,20,000 से 1,50,000, लेकिन ये उस समय की बात है, अभी सिनेरियो अलग है। सब्सिडी वब्सिडी सब कुछ मिला मुलो के शायद 1,00,000 की आपको बाइक देखने को मिल सकती है विथ अ गुड रेंज और टॉप स्पीड। दोनों मिला के अगर देखेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी हो सकती है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। आप लोगों का क्या मानना है? मेरे को डिज़ाइन ओके लगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज मेरे को सही लगा। आप लोग का भी सेम मानना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।